क्या आप भी हर पल चिंता करते रहते हैं, चिंतित रहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे, यही दुआ मैं आपके लिए भेजती हूँ। मित्रों, कई बार मनुष्य बहुत चिंता करता है और चिंता एक ऐसा भाव है जो जितना सोचेंगे ना कि ना करें उतना ही ज़्यादा आता है। कोई कितना भी समझा ले, लेकिन चिंताग्रस्त मनुष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो विभिन्न तरह की चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। लेकिन चिंता एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और जो मनुष्य हर समय चिंता करता है वो अपने जीवन की सभी खुशियों को लगभग गंवा ही देता है। तो आज के वीडियो में आपको चिंता से बचने के कुछ उपाय बताऊंगी। चिंता के बारे में बहुत कुछ कहा है विद्वानों ने, चिंता को चिता के समान बताया है। चिता में जलकर तो एक बार ही मनुष्य भस्म हो जाता है, लेकिन चिंताग्रस्त मनुष्य पल पल मरता है, पल पल तड़पता है। इसलिए ये बहुत ही घातक है और चिंता के दुष्प्रभाव कई तरह से मनुष्य के शरीर पर पड़ते हैं। उसकी मानसिकता तो खराब होती ही है, शारीरिक व्याधियाँ भी उसके शरीर में आनी प्रारंभ हो जाती हैं। चिंता के बारे में जो बहुत बड़े कवि हैं उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है और चिंता नामक मनोभाव की बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या की है। चिंता को उन्होंने विश्व वन की व्याली के समान बताया है। संसार रूपी वन में ये जहर उगलने वाली वस्तु के समान है। जिस तरह से जहर उगलता है कोई सर्प, उस तरह से ये चिंता मनुष्य को ग्रसित कर लेती है और दबे पांव मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। और कब ये मनुष्य के जीवन का बहुत गहरा हिस्सा बन गया है ये उसे भी नहीं समझ में आता। तो इसलिए चिंता से निकलना बहुत ज़रूरी है। चिंताग्रस्त मनुष्य टूट चुका होता है, वो डिप्रेशन में भी आ जाता है और वो व्यर्थ की चिंताएं करता है। जैसे कि घर का कोई सदस्य बाहर गया है तो चिंताग्रस्त मनुष्य की ये आदत होती है कि वो अपने काल्पनिक लोक में ना जाने क्या क्या कल्पनाएं करता है। उसको लगता है कि ये दुर्घटना हो गई होगी, ये हो गया होगा, पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, किसी से लड़ाई हो गई होगी, मतलब अपनी इमेजिनेशन में न जाने क्या से क्या सोचने लगता है। तो आज मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बता रही हूँ, चाहे किसी भी तरह की चिंता हो, मान लीजिए व्यवसाय में घाटा हो रहा है और अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है और उनको ये चिंता सता रही है कि आने वाले समय में कैसे उनकी स्थिति नॉर्मल होगी। तो आज के जो बात है मैं बहुत कम शब्दों में बोलकर आपको समझा दूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को भी समझेंगे। मित्रों, उन लोगों के बारे में सोचिए जिस जगह पर भूकंप आ जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा से चालू करते हैं। ऐसी जगह जहाँ आग लग जाती है, सब कुछ भस्म हो जाता है, तब मनुष्य दोबारा से जीना चालू करता है। तो अभी कोरोना महामारी की वजह से यदि आर्थिक मंदी किसी की भी ज़िंदगी में आई है तो इसे चिंता का रूप देकर आप इसको और भीषण बना रहे हो और अपनी प्रॉब्लम को ऐसा बना रहे हो कि वो कभी सुलझने वाली ही नहीं है। तो इसलिए जो कुछ हो गया है, बड़े बूढ़ों ने कहा है, बीती ताई विस्तार दे आगे की सुध ले। जो भी हो गया है लॉस, उसके बारे में चिंता करने की बजाय ये सोचिए कि अब उसकी भरपाई आपको किस तरह से करनी है। इसी तरह से जो लोग अपने घर के सदस्यों की चिंता करते हैं, महिलाएं चिंता करती हैं, अपनी कल्पना जगत में न जाने क्या क्या सोच लेती हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कोई भी सदस्य बाहर गया है तो आप अच्छा सोचिए, क्योंकि जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी है उससे कम उसे कोई भी नहीं दे सकता। उसको वो पूरी ज़िंदगी मिलेगी जितनी वो लिखा के लाया है। जब ये सब अटल सत्य है तो क्यों चिंता करके अपने आप को सता रहे हो? और ये जो चिंताग्रस्त मन को आप घुट घुट कर अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, इसकी बजाय आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढो, यही आपके लिए शाश्वत और सार्थक होगा। कई बार स्त्रियों को ये चिंता होती है कि उनके पति फला लड़की या औरत के साथ घूम रहे होंगे और घर में रहकर ना जाने वो क्या क्या सोचती रहती हैं। तो मैं उनको भी यही बोलूँगी कि प्यार ज़बरदस्ती किसी से भीख के रूप में नहीं पाया जा सकता। जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो आपको छोड़कर कहीं और चला गया वो इस लायक भी नहीं है कि आप उसकी चिंता करें। उसके बारे में चिंता करना अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करना है। इसकी बजाय अपने निर्माण में समय लगाएं, आपको क्या बनना है, उस व्यक्ति को कैसा मुँह तोड़ जवाब देना है, इसमें समय लगाएं। तो किसी भी चीज़ की चिंता करते समय ये सोच लें कि आप जिस चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो क्या उस मनुष्य पर या उस चीज़ पर इसका कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, इसका असर सिर्फ आप पर पड़ रहा है। तो आप कुल मिला के अपने आप को सताते हो चिंता के द्वारा। ये मानव जीवन बहुत सारे सत्कर्मों के बाद आपको मिला है, इसकी वैल्यू को आप समझो और चिंता करके इसको जाया मत करो। जब बहुत चिंता सताए तो भगवत चिंतन प्रारंभ कर दो, कोई भजन सुन लो, कोई पुस्तक पढ़ लो, अपनी हॉबी में अपने आप को डाइवर्ट करो, कुछ और नहीं तो टीवी पर न्यूज़ ही देख लो। लेकिन सोचना बिल्कुल भी मत बंद करो, बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। क्योंकि चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, भगवान की रिक्वेस्ट करने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से और उद्यम
और कर्म करने से चिंता समाप्त होती है। कोई चिंता आप पर हावी हो रही है तो उसको निवारण का उपाय भी आपको पता होता है, लेकिन आपको चिंता करने में एक आनंद आता है। इस आनंद के दायरे से बाहर निकलो और आप सोचो कि जो चिंता आपको सता रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। कोई पर्सन बाहर गया है, उसकी चिंता सता रही है, तो फ़ोन पर बात कर लो उससे। तो कुल मिला के जब भी कोई चिंता सताए तो आप ये सोचने लग जाएँ कि उसका निवारण क्या है और कैसे इसको सॉल्व करें, और आप ही को सॉल्व करना है, तो फिर कभी आपको चिंता नहीं सताएगी। ज़्यादा से चिंता सताती है तो आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इससे निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा।